A very good morning to all of you, Vijay. If there is any doubt in yesterday's lecture, any question is not clear, you can ask. Otherwise, we will continue with the same exercise. If any doubt is there in any of the questions, you can ask. So I hope no doubt, because I'm getting no response from you. Yesterday we did questions up to 11. Now question number 12. In question number 12, we are having to find the value of cos inverse 1 by 2 plus 2 sine inverse 1 by 2. This is your question number 12, exercise 3.3. This is 2.1. Exercise 2.1. Now in the question, we are given find the value of cos inverse 1 by 2. Plus 2 sine inverse 1 by 2. अब यहाँ पे सबसे पहले देखो कि जो cos inverse है, अगर हम भी लेके चलते हैं तो जो हमारा cos inverse है उसका जो डोमेन है that is minus 1 plus 1. तो यहाँ पे cos inverse half that lies in between the domain minus 1 by 1 to 1. Sine inverse का डोमेन भी सेम माइनस वन टू वन, तो अगेन दिस इज हाफ, तो ये डोमेन में लाइ कर रहे हैं, यानी कि इनकी हमें वैल्यूज जो मिलेंगी वो डायरेक्ट वैल्यूज मिल जाएंगी. तो कॉस इनवर्स वन बाई टू, जैसे मैंने आपको कल करवाए थे कि आपने क्या करना है, इसको थीटा के इक्वल पुट कर देना है. तो पुट कॉस इनवर्स वन बाई टू इज इक्वल टू थीटा, यहाँ से तो आपका आ जाएगा कॉस थीटा. अब हाफ आपको कॉस में चेक करना है कि कहाँ पे लाई करेगा, और यहाँ ये कंडीशन जरूर लिखनी है कि थीटा लाइज बिटवीन. अब हाफ इक्वल टू कॉस थीटा, यानी कि कॉस पाई बाई थ्री इज इक्वल टू कॉस थीटा. तो यहाँ से क्या आ गया आपका कि पाई बाई थ्री जो है दैट इज इक्वल टू थीटा. पाई बाई थ्री इज इक्वल टू थीटा हमने किसको पुट किया था, कॉस इनवर्स वन बाई टू को. तो कॉस इनवर्स हाफ की वैल्यू आ गई हमारे पास पाई बाई थ्री. अब हमें साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू निकालनी है, तो सेम वे में आप क्या करोगे, पुट साइन इनवर्स वन बाय टू इक्वल टू थीटा. तो आपका हाफ इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन पाई बाय सिक्स इज इक्वल टू साइन थीटा. तो थीटा आ गया हमारे पास पाई बाय सिक्स, यानी कि साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू आ गई आपके पास पाई बाय सिक्स. अब ये वैल्यूज हम इधर पुट करेंगे, यहाँ पे कॉस इनवर्स हाफ हमारे पास आया है पाई बाय थ्री प्लस टू एज इट इज, साइन इनवर्स हाफ हमारे पास आया है पाई बाई सिक्स. तो ये आ गया हमारे पास पाई बाई थ्री प्लस पाई बाई थ्री, तो दैट इज इक्वल टू टू पाई बाई थ्री. तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर, टू पाई बाई थ्री. अब कॉस इनवर्स हाफ प्लस टू साइन इनवर्स हाफ जो है दैट इज इक्वल टू टू पाई बाई थ्री. अब क्वेश्चन नंबर 13, इसको ट्राई करो जल्दी से. Pick the correct answer given and give reason. ये क्योंकि मैंने करवाया हुआ है आपको, तो you just try this and tell me the answer. हमें given है, pick the correct answer and give reason. If sine inverse x is equal to y, ये मैंने कल भी आपको करवाया था. Sine inverse x हमारा equal to y कब होगा? अगर ये मुझे given है, तो क्या condition होगी? y lies between 0 to pi, y lies between minus pi by 2 to plus pi by 2, including both of these, and y lies between 0 to pi, open bracket me, y lies between minus pi by 2 to pi by 2, again in the open bracket. Sine inverse x is equal to y. Jaldi se bataiye, any of you. Yesterday I have told you. मुझे पता लगे कि किसने लेक्चर बाद में दोबारा देखा और किसने नहीं देखा. यस मानविया, y lies between minus pi by 2 and pi by 2 including both. Including both, very good. Y lies between pi by 2 to minus pi by 2. तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, that is option B. अब नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज टैन इनवर्स रूट थ्री माइनस सेकेंड इनवर्स माइनस वन बाय टू. वो अभी जैसे हमने ये क्वेश्चन किया था इन द सेम वे वी विल डू टैन इनवर्स रूट थ्री
माइनस सेकेंड इनवर्स माइनस टू. अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. टेन इनवर्स रूट थ्री अगर आप देखो तो आपका जो है वो डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी आपको. टेन की वैल्यू रूट थ्री आपकी 60 डिग्री पे होती है, यानी कि पाई बाय थ्री आपको डायरेक्ट यहाँ से मिल जाएगा. सीकेंट इनवर्स जो है माइनस टू आपको निकाल. तो सेम वे में आप करोगे, लेट टेन इनवर्स रूट थ्री इज इक्वल टू थीटा. तो रूट थ्री इज इक्वल टू टेन थीटा, टेन पाई बाय थ्री इज इक्वल टू टेन थीटा. तो यहाँ से थीटा आ गया आपका पाई बाय थ्री. थीटा यानी कि टेन इनवर्स रूट थ्री की वैल्यू आ गई आपके पास पाई बाय थ्री. अब सेम वे में हम इसको लेंगे सेकेंट इनवर्स ऑफ माइनस टू. इसको भी किसी भी वेरिएबल के अगेंस्ट आप इसको ले सकते हो. लेट अस सपोज मैंने इसको y ले लिया क्योंकि थीटा मैं ऊपर ले चुकी हूँ. तो माइनस टू इज इक्वल टू आ गया यहाँ से सेकेंड y. अब यहाँ ये ध्यान दो कि ये माइनस टू है. पहले तो मैं इसको cos में कन्वर्ट कर लेती हूँ. दिस इज माइनस वन बाई टू. अब ये वैल्यू मेरी नेगेटिव है तो cos जो है वन बाई टू कहाँ पे होता है आपका पे 60 डिग्री पे cos इक्वल टू हाफ. तो ये बन गया. अब माइनस कॉस पाई बाई थ्री जो है ये मेरा सेकेंड है तो इसको मैंने रीराइट कर लिया कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा के फॉर्म में. क्योंकि तो मुझे इसको जीरो टू पाई के फॉर्म में लेके आना है माइनस थीटा को. तो ये बन जाएगा मेरा कॉस ऑफ टू पाई बाई थ्री इज इक्वल टू कॉस वाई. तो यहाँ से वाई की वैल्यू आ गई मेरे पास टू पाई बाई थ्री. अब ये वैल्यू कर देंगे tan inverse root 3 की वैल्यू pi by 3, then this minus sign as it is, secant inverse minus 2 की वैल्यू आई है मेरे पास 2 pi by 3, so this is equal to minus pi by 3, and again your option B जो है that holds, so option B जो है that is your answer. So this was your exercise 2.1. If any doubt is there in any of the questions, you can ask. Otherwise, we will start with the next, some properties of trigonometric inverse trigonometric functions we will do. अब इसमें जो है जैसे previous lecture में I have told you कि जो ये हमारे domains हैं जितने भी मतलब values of domains हैं inverse trigonometric functions की वो हर एक उसके लिए value के लिए domain की जो इनकी inverse trigonometric functions की values हैं वो जरूरी नहीं है कि उसको satisfy करेंगे. जैसे हमने देखा था कि हमारा वन वन ऑन टू बनाने के लिए हमें मतलब कुछ इंटरवल्स की फॉर्म में उसको लिखना पड़ता है. हम हर उस पे डोमेन के लिए अकॉर्डिंगली इकट्ठा लेके उसको नहीं चल सकते. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है हमारी वो कुछ वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए जो है प्रॉपरली डिफाइन होती हैं अगर तभी वो हम उसको वैलिड लेके चलते हैं. तो अब इसमें हम क्या करेंगे जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है यानी कि माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू या जीरो टू पाई हम उसके अकॉर्डिंगली जो है ये फॉर्मूला करेंगे. And accordingly we will solve the answers. अब बेस भी उसी के हैं बच्चे. जैसे trigonometry में हम करते थे almost उसी से उसी के formula से related हैं. अब तो आपको learn करने में भी ये वाले formula ज़्यादा problem नहीं होनी चाहिए. जैसे मैंने आपको उस दिन sine inverse वाला करवाया था तो ये चीज़ आपको मैंने बताई थी sine of sine inverse x. ये जो है मेरा दिस इज इक्वल टू एक्स. ये जब एक्स आपका बिलोंग करेगा माइनस वन टू वन क्योंकि साइन इनवर्स एक्स जो है मेरा इसका मुझे पता है जो डोमेन है दैट इज माइनस वन टू वन. तो साइन इनवर्स माइनस वन से वन के बीच में लाई कर रहा है देन ये साइन और साइन इनवर्स एक्स जो है आपके ये कैंसिल आउट होके दिस विल बी इक्वल टू एक्स. और सेम वे में अगर साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स आ जाता है तो एक्स कहाँ से बिलोंग करेगा. एक्स बिलोंग करेगा जो साइन एक्स का डोमेन है दैट इज माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू. तो ये चीज का आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर साइन इनवर्स एक्स है तो योर डोमेन जो है उसका दैट विल बी माइनस वन टू वन. और अगर यहाँ पे साइन ऑफ एक्स है तो उसका माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू. तो अकॉर्डिंगली जो है ये आपके डोमेन्स चेंज हो जाएंगे. अगर साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स है तो एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन साइन इनवर्स एक्स के उसको डोमेन को बिलोंग करेगा. अगर साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स है तो एक्स आपका माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में बिलोंग करेगा यानी कि साइन एक्स के डोमेन में बिलोंग करेगा.
तो ये चीज का आपने ध्यान रखना। इसी तरीके से बाकी के जो टी रेशियोज हैं, जैसे कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ये भी एक्स होगा अगर एक्स बिलोंग करेगा माइनस वन से वन के बीच में। इसी तरीके से कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स अगर आप लोगे तो दिस विल बी इक्वल टू एक्स इफ एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू पाई। अब हमें इसका क्योंकि पता है कॉस एक्स का जो डोमेन है दैट इज जीरो टू पाई, कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन माइनस वन टू वन है, तो सेम वैल्यूज जब वो उनके डोमेन में लाए करेंगे तो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स ये दोनों आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, कॉस इनवर्स और कॉस ये कैंसिल आउट हो जाएंगे डिपेंडिंग ऑन कि जो एक्स शुड बिलोंग टू द डोमेन ऑफ दिस जो भी यहाँ पे आपको गिवन होगा। अकॉर्डिंगली बाकी के जो आपके टी रेशियोज हैं फोर रह गए, कॉस सेकेंट टैन एंड कोटेंजेंट, सेम वे में वो भी अपने अपने डोमेन्स में इक्वल टू एक्स आपको वैल्यूज देंगे, वो मैं आपको ऑलरेडी ये चीजें बता चुकी। अब नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला है जो हमने मेन लेके चलने, फर्स्ट वाला जो है दैट इज साइन इनवर्स वन बाय एक्स, ये सारे आपके बुक में गिवन है। अब यहाँ ध्यान दो, साइन इनवर्स वन बाय एक्स दिस इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स, साइन का जो भी आपका एंगल गिवन होगा साइन इनवर्स का, कॉसेक इनवर्स में एंगल का आपने रेसिप्रोकल करना है और ये आपका जो है दिस इज वैलिड फॉर एक्स अगर आपका लेस देन इक्वल टू माइनस वन है या एक्स जो है आपका दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। यानी कि इसको मैं रीराइट कर सकती हूँ इस तरह से, x यानी कि मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू वन भी हम कह सकते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू वन, x लेस देन इक्वल टू माइनस वन, माइनस वन से वन के बीच में नहीं लाए करेगा क्योंकि वो साइन इनवर्स का आपका डोमेन होता है। तो कॉसेक इनवर्स x पे इक्वल कब होगा ये, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन और x इज लेस देन इक्वल टू माइनस वन, या हम इस वे में इसको रीराइट कर सकते हैं। अब इसका प्रूफ देखो किस तरीके से आपने लेना है, हम क्या करेंगे कि जो हमें गिवन है कॉसेक इनवर्स x, इसको हम y या थीटा कुछ भी मान लो, बुक में y गिवन है तो आई एम गोइंग अकॉर्डिंग टू दैट, कॉसेक इनवर्स x को मैंने y मान, तो यहाँ से मेरा x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा cosec y, cosec से बोथ साइड पे प्री मल्टीप्लाई किया तो x इज इक्वल टू cosec ऑफ y। अब यहाँ से मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, वन बाय x की फॉर्म में इसको लेना है, तो यहाँ मैं क्या करूंगी इसका रेसिप्रोकल ले, तो वन बाय x इज इक्वल टू वन बाय secant y हो जाए, वन बाय cosec y हो जाएगा और वन बाय cosec किसके इक्वल होता है sin। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय साइन इनवर्स और वाई किसको माना था मैंने कॉसेक इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स वन बाय एक्स इज इक्वल टू वाई मैंने रिप्लेस कर दिया कॉसेक इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स जो है मेरा इसके इक्वल आ गया कॉसेक इनवर्स एक्स, सो दिस इज द रिजल्ट। और कंडीशंस ये लाए करेंगे एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन और एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस वन। देन नेक्स्ट है हमारा कॉस इनवर्स वन बाय एक्स, दिस इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स एक्स, सेम कंडीशंस हैं ये दैट एक्स लाइज बिटवीन नॉट बिटवीन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस वन, सेम कंडीशंस हैं यहाँ पे भी इसके लिए भी, क्योंकि कॉस इनवर्स का भी जो आपका डोमेन है दैट इज माइनस वन टू वन, तो सीकेंट इनवर्स के अकॉर्डिंगली ये आपका ये बन जाएगा। आप सेम वे में आप इसका प्रूफ कर सकते हो, पुट सीकेंट इनवर्स x इज इक्वल टू y, तो यहाँ से x इज इक्वल टू सीकेंट y, 1 by x इज इक्वल टू 1 by सीकेंट y, तो 1 by x इज इक्वल टू cos y, टेकिंग cos इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, दिस इज इक्वल टू y, तो cos y किसको लिया था मैंने यहाँ पे y secant inverse x को लिया है, तो cos inverse 1 by x आ गया हमारा secant inverse x। सो ये प्रूफ्स वैसे आपके उसमें नहीं आते हैं पेपर में, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से हैं,
बाकी के जो टी रेशियोज हैं उनके प्रूफ्स भी बिल्कुल सिमिलर हैं। इसी तरीके से जो भी यहाँ होगा उसको आप वाई पुट कर लोगे, देन प्री मल्टीप्लाई करोगे, जैसे सीकेंट इनवर्स है तो सीकेंट से प्री मल्टीप्लाई करोगे, कॉससेक इनवर्स था हमारा यहाँ पे तो हमने कॉससेक से प्री मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ देन उसका रेसिप्रोकल लेना है, देन यहाँ जो टर्म होगी उसका इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करोगे, कॉस है तो कॉस इनवर्स से किया, साइन था तो साइन इनवर्स से किया, ये y आ गया, y जो भी आपने स्टार्टिंग में पुट किया था वो यहाँ रख दोगे तो दैट विल बी योर आंसर। बट ये प्रूफ्स हमारे सिलेबस में नहीं है तो यू नीड नॉट गो फॉर दैट। ये हमारा सेकंड हो गया। देन द थर्ड वन, tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू cot इनवर्स x। अब इसके लिए जो हमारी कंडीशन है दैट इज कि x जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन 3, x जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होगा आपका यहाँ पे। अब इसी तरीके से जो हमारे नेक्स्ट फॉर्मूले हैं हम करते थे साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो सेम वे में साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, और एक्स जो है वो बिलोंग करेगा माइनस वन से वन के बीच। अब सेम वे में हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स माइनस एक्स को हम वाई ले लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, और वी कैन से दैट एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन वाई। अब माइनस साइन थीटा को आई कैन राइट डाउन एज साइन ऑफ माइनस थीटा, ये आपने प्लस वन में फॉर्मूला किया था, तो यहाँ से प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय साइन इनवर्स, तो यहाँ पे मेरा ये रह जाएगा माइनस वाई। वाई मैंने किसको माना था, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को, माइनस वाई, वाई मैंने ले लिया साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को। अब अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, दिस इज साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, ये वाला नेगेटिव साइन मैं इधर ले जाऊंगी, तो साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स, यही चीज हमने प्रूव कर, दोबारा देख लो इसको, जो मैंने प्रूव करना है उसको मैंने वाई मान लिया, देन प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय साइन, तो ये माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन वाई आ गया, ये वाला नेगेटिव साइन मैं पहले इधर ले गई, देन x इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा को साइन ऑफ माइनस थीटा के फॉर्म में लिख लिया, तो यहाँ से साइन इनवर्स x से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड्स पे, तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन अगेन कैंसिल आउट होके माइनस y रह गया, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू ये माइनस का साइन एज इट इज, y को मैंने रिप्लेस कर दिया साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ माइनस x से, देन ये वाला माइनस का साइन इधर लगा दिया, तो आई हैव गॉट माई दिस प्रूफ। अब यहाँ पे एक चीज का आपने बच्चे ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ मुझे इस स्टेप में गिवन था x is equal to minus sin y, इससे नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है, पहले ये वाला माइनस का साइन मैं अंदर लेके गई हूँ, रीजन भी कि मैं यहाँ पे अगर ऐसे प्री मल्टीप्लाई करती हूँ साइन इनवर्स के साथ, तो ये बीच में जो माइनस का साइन है ये ऐसे वैलिड नहीं है, तो साइन इनवर्स के साथ विदाउट एनी साइन ब्रैकेट में इमिडिएटली आपका साइन आना चाहिए, तो ये नेगेटिव साइन क्योंकि वैलिड नहीं है इसलिए यहाँ से जो है यहाँ से ये वाला साइन हम अंदर लेके गए ताकि यहाँ हमारा ये साइन बन जाए, तो फिर ये साइन इनवर्स ऑफ साइन आपका कैंसिल आउट होके आपको वाई मिल जाता है, तो ये चीज का ध्यान रखना है कि जब कभी यहाँ पे माइनस का साइन है तो आप प्री मल्टीप्लाई साइन इनवर्स इनवर्स के साथ नहीं कर सकते। सेम वे में प्रूफ अब मैं बाकियों के नहीं करवाऊंगी, सेम बिल्कुल सिमिलर स्टेप से जैसे मैंने पहले करवाए हैं कॉस वाले का, सेम वे में बाकियों के भी हो जाएंगे आपके। अब नेक्स्ट है, अगर हमारे पास है कॉस इनवर्स ऑफ माइनस, मैं कॉस वाले इकट्ठे करवा देती हूँ क्योंकि तीन के सेम है और तीन के बाकी तीन के सेम, ये हो गया टैन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, tan inverse x, और x जो है वो आपका कोई भी रियल नंबर होगा उसके लिए ये आपका वैलिड है। सेम वे में cos sec inverse minus x is equal to minus cos sec inverse x, और यहाँ पे आपका जो mod x है that is greater than equal to 1, यानी कि x is less than minus 1, less than equal to minus 1, और x is greater than equal to plus 1, प्रूफ आप सेम वे में है,
इसको आप जैसे मैंने इसका साइन इनवर्स का करवाया है, सेम वे में इसका है कि इसको आप y को कर लोगे, देन 3 मल्टीप्लाई करोगे विद 10 एंड सेम स्टेप्स आप फॉलो करोगे जैसे साइन के केस में किए हैं, तो यू विल बी एबल टू फाइंड आउट दिस सॉल्यूशन। ये तो तीन थे कि डायरेक्ट हमने ये वाला माइनस का साइन बाहर लिख देने। जब आता है हमारा कॉस की टर्म्स, तो कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये ध्यान रखना। कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और जो आपका एक्स है वो अगेन बिलोंग करता है माइनस वन से वन के बीच। अब यहाँ पे प्रूफ सेम वे में है, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को आप वाई करोगे, थ्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय कॉस वाई, माइनस एक्स आपका क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू कॉस वाई। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, ये वाला नेगेटिव साइन हमने इधर रखा था, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस वाई। अब माइनस कॉस वाई जो है दैट इज नॉट इक्वल टू कॉस ऑफ माइनस थीटा, ये आपने किया होगा, उसमें हमने क्या किया था माइनस साइन थीटा को हमने साइन ऑफ माइनस थीटा लिया, बट माइनस कॉस थीटा जो है दैट इज नॉट इक्वल टू कॉस ऑफ माइनस थीटा, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो इट मींस अब यहाँ पे हम जो है ये वाई के साथ नेगेटिव साइन नहीं लगा सकते, तो इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये पता है कि कॉस जो है वो हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई माइनस वाई, हमने इसको लिख लिया 180 माइनस थीटा के फॉर्म में, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा को मैंने कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा के फॉर्म में लिख लिया। अब प्री मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स विद कॉस इनवर्स, तो ये आ गया मेरे पास कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस वाई। अब कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस वाई, क्या है कॉस इनवर्स ऑफ माइनस, ये वाली टर्म इधर ले जाएंगे, ये वाली टर्म इधर ले जाएंगे, क्योंकि मुझे कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स निकालना था, तो दिस इज इक्वल टू पाई माइनस, ये इधर ले जाएंगे, तो दिस इज कॉस इनवर्स एक्स। तो ये मेरा प्रूफ हो गया यहाँ पे, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो ये आपने इस चीज का ध्यान रखना, कॉस के केस में देन सेम वे सेकेंट के केस में सेकेंट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स दैट इज अगेन पाई माइनस सेकेंट इनवर्स एक्स, और जो आपका एक्स है वो मॉड एक्स ग्रेटर देन वन इक्वल टू वन लिखे, जैसे हमने यहाँ पे किया था, यानी कि x is greater than equal to 1 and x is less than equal to minus 1. और same way में cot inverse of minus x है, that is pi minus cot inverse x, और cot के केस में जो आपका x है, that can be any real number. cot के केस में जो आपका x है, वो कोई भी real number हो सकता है. So this is your, ये formula आपने करने हैं. This is your formula number 4, this is 5, and this is 6. साइन इनवर्स टैन इनवर्स कॉसेक इनवर्स के केस में नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, कॉस इनवर्स सेकेंड इनवर्स कॉट इनवर्स के केस में दिस विल बी पाई माइनस आगे लग जाएगा, ध्यान रखना है आपने। तो ये डिफरेंस आपको फॉर्मूलाज का पता होना चाहिए कि यहाँ पाई माइनस क्यों लगा है, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा हमारा माइनस कॉस थीटा नहीं होता, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ा, कन्वर्जन में ये पाई माइनस थीटा की फॉर्म में लिखा गया है, दैट्स व्हाई यहाँ पे जो फॉर्मूला हम लेते हैं वो पाई माइनस की फॉर्म में लिखा गया। सो नेक्स्ट जो है वो हमारे हैं कि टी रेशियोज के जब हम इनवर्सेस को ऐड करते हैं सेम एंगल सेम वैल्यूज, यानी कि साइन इनवर्स एक्स से अगर तो कॉस इनवर्स एक्स ही होगा, जब आप इनको ऐड करते हो तो दैट गिव्स यू पाई बाय 2, उनका जो सम टोटल बनता है दैट इज इक्वल टू पाई बाय 2। प्रूफ आपको मैंने एक दो के बता दिए हैं, बट एज सच आज तक कभी भी बोर्ड में ये नहीं आए हैं, तो पर आपको आने चाहिए कि कैसे करने हैं, इन पे बेस्ड क्वेश्चंस भी ज्यादातर आपके आते हैं। फर्स्ट है ये मेरा साइन इनवर्स एक्स, बुक में आपका ये नंबर 4 पे गिवन है फॉर्मूला, मैंने 4 लिख लिए, दिस इज इक्वल टू पाई बाय 2, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, सेम वे में करेंगे जैसे हम पहले कर रहे थे, साइन इनवर्स एक्स को हम वाई पुट कर देंगे, तो यहाँ से मुझे
एक्स क्या मिल जाएगा, साइन वाई। अब मुझे कॉस की टर्म्स में भी चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, साइन को जो है कॉम्प्लीमेंट्री वाले जो मैंने फॉर्मूले किए हुए हैं उसे रीराइट करूंगी। कॉस ऑफ पाई बाई टू, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा आपने किया हुआ है, दैट इज साइन थीटा। मैंने साइन थीटा वाले को कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ से क्या आ जाएगा कि जो मेरा बनेगा, मल्टी मल्टीप्लाई करूंगी मैं दोनों साइड पे कॉस इनवर्स से, तो कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस वन। कॉस इनवर्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस वाई, को मैं इधर ले आई, वाई मेरा क्या था, साइन इनवर्स एक्स। आपको पता है एडिशन जो है वो आपकी कॉम्यूटेटिव होती है, तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स या साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, दैट्स वन एंड द सेम थिंग। तो ये आपका रिजल्ट प्रूव हो गया, दैट कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू। अगेन इसके लिए जो हमारी कंडीशन है कि जो एक्स है दैट शुड बी फ्रॉम माइनस वन टू वन, एक्स जो है वो अपने उसमें इनके डोमेन में लाए करना चाहिए माइनस वन से वन के बीच में, अगर होगा देन जो है आपका ये रिजल्ट होल्ड करेगा। ये दोनों सेम होनी चाहिए वैल्यूज, एक तो ये चीज आपने देखनी है, देन माइनस वन से वन के बीच में होनी चाहिए, तभी ये आपका इक्वल टू पाई बाय टू आएगा। सेम वे में टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। अब टेन कॉट हमें पता है दे आर वैलिड फॉर दे ऑल रियल नंबर्स, तो इट बिलोंग्स टू आर। देन थर्ड कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सीकेंट इनवर्स एक्स, दैट विल बी पाई बाय टू। इनके लिए हमारी जो कंडीशन होती है दैट इज मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन, यानी कि एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस वन। तो ये आपके जो नेक्स्ट फॉर्मूलेज हैं जो आपके यूज होने हैं। इसके बाद नेक्स्ट पे हम आते हैं, इनका मेन जो आपने ये ध्यान रखना है इस चीज का, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि हमें क्वेश्चन इस पे बेस्ड होते हैं कि हमें जैसे एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। एक्स की मान लो हमारी कोई दो वैल्यूज ऐसे आ रही हैं जिनमें से एक इसके बीच में लाई कर रही है माइनस वन से वन के बीच में, बट दूसरी जो है वो इस इंटरवल में लाई नहीं कर रही, तो जो माइनस वन से वन के बीच में लाई नहीं करेगी उसको हमें रिजेक्ट करना पड़ता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि वो जो आपका गिवन एक्सप्रेशन है वो किस इंटरवल के लिए वैलिड। तो इसीलिए आप बुक में या कहीं भी किसी भी बुक में देखोगे तो ये साथ में आपको गिवन होता है कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में। अगर इन केस इफ इट इज नॉट गिवन, फिर जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है हम उसके अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट जो है हमारा, इस बुक में जितने दिए हुए हैं आपके फॉर्मूले उसके अलावा भी कुछ मैं आपको लिख पाऊंगी, तो आप बुक में ही नोट डाउन कर लेना उनको। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, दिस इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, एक्स वाई इज लेस देन वन। अब इसमें जो कंडीशन है आपकी दैट इज एक्स और वाई इनका जो प्रोडक्ट है दैट शुड बी लेस देन वन, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी आपकी ये क्योंकि आपका जो एक्स है वो ग्रेटर देन जीरो है, वाई जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, तो यहाँ पे अगर आप नंबर बड़ा ले लेते हो वन से तो वो आपका जो टेन वाला रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव आ जाएगा। तो उस चीज को होल्ड करने के लिए कि वैलिडिटी उसकी मेंटेन करने के लिए साथ में ये कंडीशन लगती है कि जो आपका एक्स वाई है दैट शुड बी लेस देन वन, क्योंकि वन से छोटा होगा तो ये डिनोमिनेटर आपका पॉजिटिव बनेगा। तो यहाँ पे जो कंडीशन है जो एग्जिस्ट होनी चाहिए दैट इज एक्स वाई शुड बी लेस देन वन। देन सेकेंड आपका है, देखो ये फॉर्मूले आपके किससे बन रहे हैं, हम लोगों ने किया हुआ है उसमें ट्रिग्नोमेट्री में, टेन ए प्लस टेन बी इज इक्वल टू टेन ऑफ ए प्लस बी अपॉन वन माइनस टेन ए बी। तो यहाँ पे जब टेन इनवर्स की बात आई तो दिस इज टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए प्लस बी, यानी कि एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। तो ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूला के रिलेशन में ही आप इनको लर्न कर सकते हो, वो फॉर्मूले आपको लर्न है तो सेम वे में आप इनको भी लर्न कर सकते हो। एक्स जो है विद नेगेटिव साइन है, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, दिस इज टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई। और इसके लिए जो हमारी कंडीशन है दैट इज एक्स वाई जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन
माइनस वन. अगेन इसको पॉजिटिव बनाने के लिए जो यहाँ एक्स वाई है दैट शुड बी ग्रेटर देन माइनस वन. देन थर्ड है हमारा इसमें, अब ये वाला भी ध्यान से करना, टू टैन इनवर्स एक्स. टू टैन इनवर्स एक्स में हमने बच्चे फॉर्मूला किया हुआ है टैन टू ए का, ये उसी से डिराइव हुआ है आपका, टू टैन ए अपॉन वन माइनस टैन स्क्वायर. तो अगर मैं tan a को x यानी कि tan इनवर्स x को अगर मैं a पुट करती हूँ तो मेरा x जो है that will be equal to tan a. तो प्रूफ नहीं मैं करवा रही हूँ उसका. तो 2 tan इनवर्स x इसके इक्वल आ जाएगा, इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर. और अगेन यहाँ पे क्या होगा आपका जो मॉड ऑफ x है that should be less than 1, वो आपका माइनस वन से प्लस वन के बीच में लाई करना चाहिए. सेम वे में दिस इज इक्वल टू, हमने टैन टू ए का फॉर्मूला जो है साइन टू ए का भी फॉर्मूला किया हुआ है, दैट इज टू टैन ए अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर ए. सेम वे में हमने कॉस टू ए का भी फॉर्मूला किया हुआ है, वन माइनस टैन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर. तो सेम वे में यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला बनेगा दैट इज साइन इनवर्स 2x अपॉन 2 tan a की जगह 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर. और यहाँ पे भी सेम कंडीशन आती है, x लाइज बिटवीन माइनस 1 टू प्लस 1. और देन cos में भी हमने ये फॉर्मूला किया हुआ है, तो दिस विल बी cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर. और यहाँ पे जो आपका x है that will lie between 0 to 8. तो ये चीज जो है कर लेना, बुक में कुछ इनमें से नहीं गिवन है, नहीं गिवन है ये नीचे आपके नीचे पार्ट 6 में जो है वो आपके गिवन है. x जो है देखो पार्ट नंबर 6 है पेज नंबर 44 पे, 2 tan इनवर्स x is equal to sin इनवर्स 2x upon 1 plus x square. वहां पे mod x less than equal to 1, you know that is one and the same thing, कि x lies between minus 1 to 1. Then आपका उसी में second part given है, cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square. और x is greater than equal to 0 given है, तो वही चीज हो गई है, 0 to infinity के बीच में लाए करेगा. Then आपका ये वाला formula वहां given है already, 2 tan inverse x is equal to tan inverse 2x upon 1 minus x square, where x lies between माइनस वन टू वन, या यू कैन री राइट इट एज मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन वन. मॉड ऑफ एक्स में आपको मैंने बताया हुआ है कि जो साइन होता है एक्स के दोनों साइड पे आप वो साइन लगा के एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव ले लो, तो ये दोनों आपके इट मीन्स सेम चीज को रिप्रेजेंट कर. तो ये वाला आपका फॉर्मूला हो गया. इसमें आपने जो है प्रूफ वैसे नहीं है, अदरवाइज आपने क्या करना है, टैन इनवर्स एक्स को y पुट कर लो सेम वे में, टेकिंग देन tan ऑन बोथ साइड्स, आपको लेके चलो कि x इक्वल टू tan y आ जाएगा आपका. फिर जो ये वाले फॉर्मूले हैं आपके, ये यूज करके ये तीनों आपके जो हैं वो डिराइव होंगे. रिजल्ट्स मेन आपको याद रखने हैं, क्योंकि बोर्ड में एज सच प्रूफ्स आपके कभी भी नहीं आए. इसके अलावा थोड़े से और फॉर्मूले हैं आपके, तो दैट वी विल डिस्कस टुमारो एज द टाइम इज ओवर. If any doubt is there in any of the formulae or questions done today, so you can raise your hand and you can unmute, you can ask. कोई भी doubt है किसी, ask. Okay, rest of the formulae we will discuss tomorrow and then we will start with exercise 2.2 also. Thank you. Have a nice day.